अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक हमजा है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुस्तकीम प्रॉपर्टीज़। आज मैं लाइव डीएचए रायपुर सेक्टर 4 में खड़ा हूँ और क्या कहते हैं ये सामने इसका मेन गेट है क्योंकि सीधा डिफेंस रोड के ऊपर वाक़ है और ये डिफेंस रोड सीधा फिरोजपुर रोड और एक साइड फिरोजपुर रोड और दूसरी साइड से बुप्तियाँ चौक या आप कह सकते हैं जो नया डिफेंस रोड है या रायपुर रोड को टच कर रही है वो मेन गेट है। मेन गेट से हम एंटर होते हैं तो 120 रोड की बड़ी रोड है जो कि लेफ्ट राइट सीधा कमर्शियल्स हैं। हमारे इधर लेफ्ट साइड पे भी कमर्शियल्स हैं और क्या कहते हैं ये राइट साइड पे 8 मल्ला एक कमर्शियल्स हैं। काफ़ी बड़ी रोड है, 120 फीट रोड है और यहाँ पे 4 मल्ला और 8 मल्ला कमर्शियल प्लॉट्स हैं, 5 मल्ला के रिहायशी प्लॉट्स हैं। डीएचए रायपुर सेक्टर 4 के टोटल 3 ब्लॉक्स हैं, क्यू ब्लॉक, आर ब्लॉक और एस ब्लॉक। तो इस टाइम जो हम जिस ब्लॉक में मौजूद हैं वो आर ब्लॉक है। आर ब्लॉक के हवाले से मैं बताता चलूँ यहाँ पर 5 मल्ला और कमर्शियल क्या रेट्स हैं। जो 5 मल्ला है वो तकरीबन इस टाइम 50 लाख रुपए से रेट स्टार्ट होता है और 80 लाख रुपए तक रेट जाता है लोकेशन वाइज, क्योंकि उसमें नाला भी आता है, नाले के करीब सस्ते प्लॉट्स हैं। और यहाँ पे 4 मल्ला और जो 8 मल्ला के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, 4 मल्ला इस टाइम 1.25 करोड़ रुपये से लेके 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपये तक है लोकेशन वाइज। अगर मेन पे होगा तो प्लॉट महंगा होगा या पीछे होगा तो प्लॉट सस्ता होगा। इसी तरह 8 मल्ला जो है वो तकरीबन 4 से लेके 5 के बिटवीन है, वो भी लोकेशन वाइज। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0622913196 है, स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, आप उससे भी नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे जो 5 मल्ला की जो डायमेंशन साइज़ है वो 25x45 है और इसके अलावा जो 4 मल्ला कमर्शियल के जो डायमेंशन है वो तकरीबन 30x30 है और जो 8 मल्ला है वो 35x65 है। तो यहाँ पर अगर कमर्शियल के हवाले से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी ठीक है और अगर आप रिहाइश करना चाहते हैं या प्लॉट लेके रिहाइश करना चाहते हैं वो भी ठीक है। डीएचए रायपुर सेक्टर 4 डीएचए का ऐसा अपना प्रोजेक्ट है क्योंकि जो बाकी जो इनके फेजेस थे वहाँ पे उन्होंने पहले रेंजर्स कॉलोनी हुआ करती थी, उसके बाद डीएचए में मर्ज हुई, तो ये इनका अपना प्रोजेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे रोड भी काफ़ी कुछ ज़्यादा हैं, सारी अंडरग्राउंड वायरिंग है और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो कम से कम मिनिमम जो रोड है ना 40 फीट की रोड है, बाकी फेजेस में 30 फीट रोड है या मिनिमम 40 फीट रोड है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है अपना इन्वेस्टमेंट के लिए।